हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ लीव्स एंड देयर शेप्स। तो बच्चों, आज हम लीव की डिफरेंट शेप्स और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी बात है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम फैमिलीज को पढ़ेंगे तो हमें ये डिस्क्रिप्शन काम आएगा। तो लीव कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम जाने के लिए, एक तो होता है सिंपल लीव, सरल पत्ती जिसमें की, और एक होगा कंपाउंड लीफ, उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सिंपल लीफ क्या है? सिंपल लीफ वह लीफ है जिसके अंदर की जो लैमिना है, अर्थात जो ब्लेड है, उसका जो चौड़ा चपटा भाग है वो एक ही होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, अभी इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक लीफ का पूरा एक कंप्लीट भाग दिखाई दे रहा है, अर्थात जो लीफ होती है वो एक पूरी कंप्लीट उसमें बनी भी होती है, अर्थात इसमें कोई भी छोटे छोटे डिविजन्स नहीं होते हैं। तो ये एक प्रकार की जो लीफ होती है वो कैसी होती है? सिंपल लीफ कहलाती है, जिसमें ये तो दिखाई दे रहा है, ये ब्लेड दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये इसकी ब्लेड हो जाएगी और ये लीफ का मार्जिन कहलाएगा। मार्जिन की शेप अलग अलग हो सकती है, इट में भी जैसे कि डेंटेड भी हो सकती है और इस प्रकार से भी हो सकती है। तो डिफरेंट प्रकार की इसकी मार्जिन हो सकती है। और लीफ का ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? पिटियोल कहलाता है, जिसको हम पर्णव्रंथ भी कहते हैं। Then, ये दिख रहा है आपको पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड लीफ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि यदि लीफ के नीचे की तरफ कोई भी अतिवृद्धि पाई जाए या कोई अपेंडिजेस हो तो वो क्या कहलाते हैं? स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। ये संख्या में एक या दो और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लीफ जिसके अंदर की स्टिप्यूल पाए जाते हैं, जो कि लीफ के बेस पे मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। और आप इसमें देख रहे हैं कि ये इस लीफ की जो है मिडरिप कहलाती है, बीच में जो पोर्शन है जहां से सारी वेन्स निकलती है, और ये इसमें बहुत सारी वेन्स दिखाई दे रही हैं आपको, शीरा जिसको हम कहते हैं। अब यदि लीफ के अंदर कोई भी व्रंथ नहीं है, यदि वो स्टेम से या एक्सिस से डायरेक्टली अटैच है विदाउट कोई छोटा सा स्टॉक, तो वो क्या कहलाती है? सेसाइल लीफ, जिसमें की कोई भी पिटियोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार की लीफ को क्या कहा जाता है? सेसाइल लीफ। जब हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, तो ये सब टर्म काम में आएंगे। तो मैं जो खास खास टर्म्स है, जो कि बेसिक है, वो आपको यहाँ बता रही हूँ। ये कहलाएगा क्लास्पिंग बेस वाली लीफ, जिसमें की जो लीफ है वो उसने क्या किया, जो जहां से जुड़ी हुई है वहां पर भी उसको सराउंड कर दिया है, तो उसको क्लास्प कर रही थी। इस प्रकार की लीफ को क्या कहते हैं? क्लास्पिंग बेस वाली लीफ। अब देखते हैं, अभी हमने सिंपल लीफ देखी, अब ये है संयुक्त पत्ती या कंपाउंड लीफ। या इसका करेक्टर है कि ये इसमें क्या होता है, जो ब्लेड लैमिना है, इट इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट, छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइडेड हो सकती है। ये भी फिर दो प्रकार की होती है, एक तो पामेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा है पिनेटली कंपाउंड लीफ। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये भांग की पत्ती है, कैनाबिस जिसको बोलते हैं, इसमें इट इज द पामेटली कंपाउंड लीफ। अभी हम इन सबके फर्दर डिविजन पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पामेटली कंपाउंड लीफ होती है उसके अंदर ऑल जो इंसिजेंस होते हैं, जो कट लगते हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम मार्जिन टुवर्ड्स द बेस ऑफ द लीफ। मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो एक ये लीफ थी, किस प्रकार से डिवीजन उसमें कट लग रहा है, सपोज एक लीफ है तो इसमें मार्जिन से कट लगेंगे, इंसिजन लगेंगे, और लीफ जो होगा वो कहां पर कट लगेगा, बिल्कुल लीफ के नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लीफ होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती जा रही है। जैसे कि आप, इसमें आपको बता देती हूँ दूसरा से कि यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे यहाँ से कट लगा तो यहाँ पर आया एक कट, फिर यहाँ से कट लगा, तो इस प्रकार से जो लीफ जो होती है कट होने से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, तो पहले समझो ये पूरी एक लीफ थी ना, ये पूरी एक लीफ थी और ये कट हो गया, तो इस प्रकार से छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? लीफलेट या पिन्ना कहा जाता है। और मुख्य बात यह है कि इसके अंदर जो कट का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम मार्जिन टुवर्ड्स द टिप ऑफ द पिटियोल, अर्थात पिटियोल के ऊपर के भाग से, या फिर कह सकते हैं कि लीफ के बेस भाग से इसमें कट लगता है, तो पूरी लीफ में अलग अलग सेगमेंट बन जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं आप, ये पूरी यहाँ पर ये लीफ डिवाइड हो गई है और ये सारे खूब सारे क्या है, लीफलेट है। लीफलेट की संख्या अलग अलग हो सकती है और नीचे वाला भाग क्या कहला रहा है, इसमें पिटियोल कहला रहा है। अब और खास बात यह है कि इसमें कोई रैकिस नहीं होता है। रैकिस क्या, जो मिड पोर्शन जो होता है, जहाँ की लेमिना अटैच, बीच का जो पोर्शन होता है उसको रैकिस कहते हैं। तो इसमें आपको कोई भी रैकिस नहीं दिखाई देगा। अगर इसके कंपेरेटिव अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें की पिनेटली कंपाउंड लीफ में ये हुआ कि इसमें जो लीफ होगी वो
इसमें जो कट लगेगा, जो मार्जिन, जो इंसिजन लगेगा, वो मार्जिन से टूवर्ड्स द मिड रिब चलेगा उससे। अर्थात इसमें तो देखा आपने कि पिटियोल के ऊपर से कट लगा है, लेकिन इसमें जो कट लगा है वो कहां से लग रहा है? मार्जिन से लेकर स्टार्ट होकर के नीचे न जाकर के बिल्कुल मिड रिब के वहां जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि रैकिस भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये क्या अलग जो टुकड़े जो बने हैं, सेगमेंट्स जो बने हैं, वो क्या कहलाएंगे? इसके लीफलेट या पिन्ना कहलाएंगे। इसमें भी तो इस प्रकार से कंपाउंड लीफ इज ऑफ टू टाइप। वन इज पामेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें कि पाम का मतलब होता है हाथ, अपने हाथ की उंगलियां होती है ना, उस प्रकार से इसकी शेप दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पामेटली कंपाउंड लीफ। और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें कि ये अलग अलग लीफलेट बन गए हैं और नीचे का पोर्शन वही पिटियोल कहलाएगा इसके अंदर। पिनेटली कंपाउंड लीफ दो प्रकार की है अगेन। एक तो होता है जिसमें कि टिप पर भी एक लीफलेट दिखाई दे, बाकी हमेशा इसमें जो पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में होती है। और इस पेयर्स की वजह से यदि ये दो या दो के गुना में होगी तब तो क्या कहलाएगी? पिनेटली कंपाउंड लीफ या इवन पिनेट। और यदि ये इसमें ये दो दो के बाद में अगर एक ऊपर भी एपिकल पोर्शन पे अगर कोई पिन्ना प्रेजेंट है या लीफलेट प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? इम्पेरी पिनेट या और पिनेट वाली कंपाउंड लीफ, जो कि रोबिनियम पाई जाती है ये सेरेटोनिया में, और भी कई सारे हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अल्म के फर्दर डिवीजन की। पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें कि मार्जिन से कहां पर जा रहा है कट, कहां जा रहा है? मिड रिब के वहां जा रहा है। अब ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें कि ये डिपेंड करता है कि कट कितने लेवल तक का है। यूनिपिनेट कंपाउंड, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, जिसमें कि क्या हो रहा है? लीफलेट जो है पेयर्स में है, इसमें कोई भी एपिकल पोर्शन पर नहीं, लेकिन अगर यहाँ अगर हम देखें तो एक एपिकल पोर्शन पे ये आपको लीफ दिखाई दे रही है। तो जिसमें जो भी अगर लीफलेट होंगे दो या दो के चार के गुना में होंगे, दो के दो या दो के मल्टीपल्स में होंगे, यहाँ पर क्या होगा कि एक मतलब इवन संख्या आ जाएगी, पांच होगा, सात हो सकता है, नौ हो सकता है, लेकिन दो चार इसमें नहीं होगा। तो दोनों किसके केसेस है? यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ के हैं, लेकिन इसमें ये कहलाती है पेरिपिनेट और ये कहलाएगी इम्पेरिपिनेट। यहाँ पर लीफलेट की संख्या कितनी है? इसमें ऑड है, इसमें इवन है। देन अब फर्दर डिवीजन अगर और होता है तो जैसे कि इसमें तो ये मेन, ये जैसे ये रोज की लीफ है जिसके अंदर यहाँ पर आपको पिक्चर में बच्चों स्टिप्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं लंबाई तक। सेकंड है बाईपिनेट कंपाउंड लीफ। बाईपिनेट कंपाउंड लीफ का मतलब इसमें जो ये मेन रैकिस है वो वापस फर्दर डिवीजन हो चुका है इसके अंदर, और इसकी सेकेंडरी जो डिवीजन है वहां पर इसमें पिनेट, इसमें लीफलेट लग रहे हैं। जैसे कि एक पहला, पहले वाले में तो खाली डायरेक्ट लगती है, फिर इसमें यहाँ डिवीजन हुआ, अब यहाँ पर लीफलेट नहीं, इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर ये लीफलेट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है? इस प्रकार की जो लीफ होती है, स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या कहलाता है? बाईपिनेटली कंपाउंड लीफ। तो आपको ये इसमें पिक्चर में दिखाई दे, ये भी क्या इसके लीफलेट्स है, या इसको पिन्यूल्स भी कहा जाता है, और नीचे का भाग क्या है इसमें? पिटियोल है। तीसरे केस में फर्दर डिवीजन और हो रहा है रैकिस का। इसमें एक आप देख रहे हैं पिक्चर में, पहले तो ये मेन डिवीजन हुआ, फिर उसके ऊपर ये सेकेंडरी शाखाएं निकली, और उसके ऊपर भी सेकेंडरी शाखा के ऊपर फिर ये टर्शियरी शाखा निकली, अब इसके ऊपर जाकर के क्या लग रही है? लीफलेट लग रहे हैं। तो पहले ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर उसके बाद में फिर इसमें ये ऐसे निकले, और अब जाकर के यहां पर जो है लीफलेट लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें भी कॉमन स्ट्रक्चर पिटियोल होगा, ये लीफलेट या पिन्यूल्स कहलाएंगे इसके अंदर, और जब फर्दर रैकिस से जब डिवीजन होता है तो वो क्या कहलाता है? रैचीला कहलाता है। और लास्ट स्टेज आएगी जिसमें कि डी कंपाउंड लीफ जिसको कहा, जिसमें अगर यदि तीसरी बार से अगर ज्यादा अगर डिवीजन होता है तो उस प्रकार की जो लीफ होती है जो कि धनिया में भी दिखाई देती है, कोरिएंडर में दिखाई देती है, उसको क्या कहेंगे हम? डी कंपाउंड टाइप की लीफ। अब बात करते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो अभी हमने देखा पिनेटली कंपाउंड लीफ, अब हम बात करते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। इसमें जो लीफलेट की संख्या के आधार पर इसका नामकरण है। पहला है यूनिफोलियट, जो कि सिट्रस लेमन में पाई जाती है। इस पिक्चर में आप यहाँ देख भी रहे हैं, ये यूनिफोलियट टाइप की है, जिसके अंदर एक सिंगल लीफलेट होता है और रैकिस की टिप पे अटैच होता है। तो इस प्रकार की लीफ को क्या कहा जाता है? यूनिफोलियट पामेट कंपाउंड लीफ, जो कि नींबू में मिलता है। इस नींबू के अंदर आप देख रहे हैं ये एक ही लीफलेट लगा हुआ है
और ये पिटियोल के ऊपर की तरफ लगा हुआ। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस लेमन के अंदर अर्थात सिट्रस के स्पीसीज में खासियत होती है लीफ में कि यहाँ पर ये विंग्ड पिटियोल होता है। ये जो पिटियोल का जो पोर्शन है इट इज विंग्ड, तो जिसको हम पंख भी या इसको पंख भी कहते हैं, इसको ये विंग्ड इसके पिटियोल है। ओके देन आता है बाइफोलियट, जिसमें कि जो लीफलेट्स है वो कितनी, उसकी संख्या कितनी हो जाती है, टू लीफलेट्स आर देयर। इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सिस है और यहाँ पर एक लीफलेट यहाँ लग रहा है और एक लीफलेट यहाँ लग रहा है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि अपने कीकर, हमारे उदयपुर का बहुत कॉमन प्लांट है, कीकर की जो पत्तियां होती है वो इस प्रकार की होती है। देन एक होता है बेलेनाइटिस जिसको हिंगोट कहते हैं, फिर एक कचनार जिसको हम बोहिनिया कहते हैं, इसमें भी बाईफोलियट प्रकार की पामेटली कंपाउंडली पाई जाती है। तीसरा है ट्राईफोलियट, जिसमें कि तीन लीफलेट्स, देर आर थ्री लीफलेट्स डेवलप फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। शर्त क्या है कि एक ही पॉइंट से यदि एक लीफलेट निकलता है तो यूनिफोलियट, दो लीफलेट निकलते हैं तो बाईफोलियट, एक ही कॉमन पॉइंट से। तीसरा केस आपको दिखाई दे रहा पिक्चर में, आप छिप गया यहाँ पर, ये है ट्राईफोलियट का। ट्राईफोलियट के अंदर तीन लीफलेट एक ही ओरिजिन से निकलते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से निकलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, खट्टी बूटी भी कहते हैं। ये बहुत वीट की तरह ग्रो करती है, बच्चों आपने कभी इसको खाया भी होगा, ये एसिडिक होती है ऑक्सलेट। तो इसके अंदर ट्राइफोलियट प्रकार का पामेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। अब चौथा है क्वाड्रीफोलियट, क्वाड्री का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर। यदि लीफलेट की संख्या यदि फोर है तो क्या कहलाएगी, क्वाड्रीफोलियट टाइप की लीफलेट कहलाएगी। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्सिलिया, जो कि टेरिडोफाइट है और एक्वेटिक कंडीशन में ये मिलता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो क्वाड्रीफोलेट। अब आता है डिजिटेट, जब लीफलेट की संख्या चार से यदि ज्यादा हो जाती है तो उस केस में इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, डिजिटेट प्रकार की। डिजिटेट का मतलब अंगुलियों की तरह खूब सारी दिखाई देने लग जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है बॉम्बे बॉम्बेक्स है, एल्स्टोनिया है, तो ये मल्टीफोलियट या डिजिटेट प्रकार की कंपाउंड लीफ इसको कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा सिंपल लीफ, फिर कंपाउंड लीफ, उसके बाद में कंपाउंड लीफ में भी हमने पढ़ा पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, उसके अंदर भी हमने अलग अलग पढ़ा। पिनेटली के अंदर हमने अलग अलग प्रकार की पामेटली कंपाउंड जो लीफ है उसके अंदर हमने बाईफोलियट, यूनिफोलियट, ट्राईफोलियट, क्वाड्रीफोलियट पढ़े, मल्टीफोलियट पढ़े, और पिनेटली कंपाउंड लीफ जिसे इम्पेरिपिनेट, पेरिपिनेट, इस प्रकार की हमने यूनि बाई ट्राई और मल्टी प्रकार की पिनेटली कंपाउंड लीफ पड़ी। ये जो पिक्चर है बच्चों मैंने कहीं से उठाई है इसको, और इसके अंदर का आपको डिफरेंट शेप दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो शेप्स के आधार पर अगर हम पिक्चर को अगर देखें तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर शेप, मतलब लीफ की टिप किस कैसी है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है। जैसे कि एक्यूमिनेट लीफ कहते हैं तो अगर आगे बहुत टेपरिंग उसका पॉइंट होता है, फेब्रिलेट है तो फैन शेप उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ओवेट प्रकार की लीफ हो सकती है जैसे कि एग शेप होती है, रोजेट चक्र में दिखाई, चक्र मतलब रोजेट टाइप दिखाई देती है। ऑल्टरनेट से मतलब हो कि जो लीफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान बच्चों को पता नहीं होता कई बार, तो ऑल्टरनेट का मतलब हो कि एक लीफ यहाँ लगी और एक लीफ इसमें यहाँ लगी, तो ये क्या कहलाती है, ऑल्टरनेट लीफ कहलाती है। इसी में अपोजिट लीफ भी होती है, जिसमें कि जब लीफ जो होगी वो सामने होगी, बिल्कुल पेयर में होगी, जैसे एक लीफ यहाँ है तो एक लीफ यहाँ है, तो इस प्रकार की लीफ को क्या कहा जाता है, सम्मुख, जैसे कि अपने आंख में दिखाई देती है। देन हेस्टेड टाइप की, जिसमें कि एक भालाकार लीफ का स्ट्रक्चर बन जाता है। पामेट हाथ के आकार का, स्पैचुलेट का मतलब हुआ कि चम्मच के आकार की लीफ होती है। देन एरिस्टेट, टेंसिलेट लैंड शेप होती है जो कि दोनों एंड्स पर पॉइंटेड होती है। पिटिलेट पामेट है लेकिन लेटर लोब्स में डिवाइड हो रही है, स्पीयर शेप्ड होती है, जैसे कि इसमें इस प्रकार से यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें बार बेसिस दिखाई देते हैं इसके। कॉर्डेट का मतलब हार्ट शेप लीफ हो जाएगी, लोब का मतलब अलग अलग इसमें लोब बन जाएंगे। देन परफोलिएट है, ट्राइफोलिएट है, ठीक है, तो डेल्टॉइड है, पिनेटली कंपाउंड है, ट्रंकेट है, ये तो डिफरेंट प्रकार की शेप जो लीफ है उसके आधार पर इनका डिवीजन है। अब ये बात करते हैं इसमें मार्जिन की, लीफ के हर लीफ के मार्जिन बिल्कुल एक एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, तो इसमें कई प्रकार के डिजाइन टाइप, जैसे कह सकते हैं डेंटिकुलेट है, ऐसे सीरेटेड टाइप दिखाई देती है, डबली सीरेट है, आधी थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, इस प्रकार से एंटायर पूरी लीफ, यदि लीफ पूरी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंटायर लीफ, जैसे इस प्रकार की जो लीफ होती है वो क्या कहलाती है, एंटायर। लेकिन यहाँ यदि अगर मान लो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं डेंटेट है, तो ये अलग प्रकार की शेप की लीफ
हो जाती है, लोबेट जैसे लोब स्ट्रक्चर बन रहा है, सीरेटेड बड़े बड़े ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और तो सीनियोर जिसमें किस प्रकार से वेवी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइनी है, यदि लीफ के अंदर स्पाइन डेवलप है स्पॉइंटेड टाइप तो स्पाइन होंगे। देन बात करते हैं हम विनेशन की, लीफ के अंदर विन्यास कैसा है। जैसे मुख्य रूप से तो हम पढ़ते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर एक पैरेलल विनेशन होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ और होता है रेटिकुलेट, लेकिन फिर भी आगे भी इसमें होता है। जैसे कि आप ये देख लें एक्लोइड, इसमें आप देख रहे हैं क्रॉस वेन्यूलेट है ना, मेन जो वेनिशन उससे वापस इसकी मतलब सेक्शन से हो रही है, ये डाइकोटोमस ब्रांच हो रही है, जो वेनिशन जो जा रहा है वो वापस फर्दर डिवीजन हो रहा है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो रही है इसके अंदर, ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन बन रहा है इसके अंदर, ये पामेटली वेनिंग हो रही है इसके अंदर, ये पैरेलल वेनिशन चलता है, ये पिनेटली दिखाई दे रही है, इसमें रेटिकुलेट हर बार 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 इसमें जाली कवच बन रहा है, और ये रोटेट प्रकार की जो वेनिशन तो है इसके अंदर, लेकिन एक चक्र में दिखाई दे रहा है इसमें, तो क्या बोलेंगे रोटेट प्रकार का वेनिशन। तो बच्चों आज हमने लीफ की शेप के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इधर लीफ के और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर जो मुख्य कैरेक्टर्स है वो आज मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं। थैंक यू।